आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं विजयलक्ष्मी और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव। चलिए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। पानी वाला धर्मशाला और लक्ष्मी तालाब को शासन प्रशासन के स्काउट की तरह उपयोग कर रहा है, ये कहना है अरविंद वशिष्ठ का। बता दें, झांसी में आज शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ के नेतृत्व में लक्ष्मी तालाब से पानी वाला धर्मशाला तक जन संघर्ष यात्रा निकाली गई। स्पेशल गेस्ट के रूप में जल पुरुष संजय सिंह उपस्थित रहे। यात्रा के प्रारंभ में जल पुरुष संजय सिंह जी के विशेष आतिथ्य में जल को बचाने का संकल्प लिया गया। जल संघर्ष यात्रा का संयोजन राजेंद्र रेजा, राजेंद्र शर्मा, शंभू सेन, जितेंद्र भदौरिया, शिवम नायक ने किया। विशेष अतिथि जल पुरुष संजय सिंह ने कहा कि किसवीं सदी में सबसे बड़ा संकट है तो वह है जल संकट। हमारी सरकारों को जल संरक्षण के लिए विशेष कार्य करना चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग की अनिवार्यता हर कॉलोनी में कर देना चाहिए। संकल्प दिलाते हुए उन्होंने कहा कि हम सब लोगों को अपने स्तर पर भी जल बचाने के लिए कार्य जरूर करना चाहिए। अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ ने कहा कि झांसी महानगर पानी के संसाधन के अभाव में तड़प रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। जिस बात का डर था, आखिरकार दुर्घटना घटी गई और पानी भरने की जद्दोजहद में धक्का मुक्की खाते हुए बिजौली निवासी उत्तरा देवी की मौत हो गई। तो क्या ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती है? इस मौके पर पवन साकिया, सिद्धार्थ सिंह, मोहम्मद सुमीर, राकेश अमरिया, गौरव अग्रवाल, आफ्ताब आदि उपस्थित रहे। झांसी से ब्यूरोचि प्रतीक सेन सिंह की खास रिपोर्ट।